हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं। दोस्तों, असाइनमेंट लिखने का तरीका और साथ ही दोस्तों ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपके असाइनमेंट्स में नंबर काट दिए जाते हैं। सो दोस्तों, इसके बारे में पूरा डिटेल में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इग्नू से रिलेटेड जब भी कोई नया इन्फॉर्मेशन आए तो उसकी जानकारी आपको टाइम पे मिल सके। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों असाइनमेंट कैसे बनाने हैं इसके लिए बता देता हूँ। दोस्तों, आपको इग्नू की वेबसाइट से अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। उन क्वेश्चन पेपर्स को आप इस टाइप के पेपर पे सॉल्व करके और अपने स्टडी सेंटर में जमा करवाएंगे। दोस्तों, आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि A4 साइज के प्लेन पेपर में भी अपने असाइनमेंट के सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए मैंने बताया कि आप जब अपने असाइनमेंट को लिखेंगे तो उस टाइम पे कोई लाइन ऊपर या कोई लाइन नीचे की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से आपका असाइनमेंट दिखने में अच्छा नजर नहीं आता। इसलिए दोस्तों आप लाइनदार पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये पेज एक साइड में लाइनदार है और दूसरी तरफ में प्लेन पेपर्स है, सो आप इस टाइप के पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जस्ट प्रैक्टिकल शीट्स हैं। ऐसी शीट्स आपने अपनी 10th क्लास या 12th क्लास में अपने प्रैक्टिकल्स बनाने के लिए भी यूज किए होंगे। आप इसी टाइप की शीट्स में अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। दोस्तों, असाइनमेंट बनाने के लिए आपने जितने भी सब्जेक्ट लिए हुए हैं उनमें अगर प्रोजेक्ट वाला या फिर लैब वाला कोई सब्जेक्ट है तो उनका असाइनमेंट नहीं होगा। उसके अलावा सभी सब्जेक्ट के आपको अपने असाइनमेंट्स बना के अपने अपने स्टडी सेंटर पे जमा करवाने होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आपको अपने असाइनमेंट सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सोल्यूशन मुझसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशन मुझसे परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने असाइनमेंट भी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं काफी नीट एंड क्लीन बनाकर जमा करें। दोस्तों, असाइनमेंट बनाने के लिए आपको क्वेश्चंस भी लिखने हैं, क्वेश्चन के बाद में आपको उनके आंसर लिखने होंगे। आपको क्वेश्चन पेपर में पूरा दिया होगा कि जैसे 5 क्वेश्चंस में से आपको 2 करने हैं, 3 करने हैं या सभी 5ों के उत्तर लिखने होंगे। सो आप जो इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश वहां पे दिए जाते हैं उनको फॉलो करते हुए अपने असाइनमेंट्स बना सकते हैं। सो दोस्तों, अभी बात करते हैं उन सभी गलतियों के बारे में जिनकी वजह से आपके असाइनमेंट में नंबर काट दिए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन या फिर मार्केट से असाइनमेंट सॉल्यूशन तो परचेज कर लेते हैं, लेकिन बाद में आप उसे प्रिंट आउट लेके या उसका फोटोकॉपी लेके अपने स्टडी सेंटर पे जमा करवा देते हैं, जबकि दोस्तों ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहां पे प्रिंटेड असाइनमेंट्स जमा नहीं होते, आपके हैंडमेड हैंड रिटन असाइनमेंट्स ही जमा होते हैं। दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती ये, आप में से काफी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि असाइनमेंट सॉल्यूशन परचेज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जो यहाँ पे डिस्क्लेमर नोट दिया हुआ है दोस्तों, आप उसे भी अपनी आंसर शीट में लिख देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने क्वेश्चंस लिखने हैं और उनके आंसर्स लिखने हैं। आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको क्वेश्चंस को लिखने के बाद में आपको उनके आंसर्स लिखना चाहिए। दोस्तों, तीसरी जो गलती है वो कुछ इस टाइप की है कि आप में से काफी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें किसी भी वेबसाइट से, दोस्तों इग्नू की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसके अलावा किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में उस वेबसाइट का कोई ना कोई वाटरमार्क दिया होता है और आप उसे अपने असाइनमेंट के साथ में जमा करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपके ट्यूटर को लगता है कि आपने ये असाइनमेंट्स कहीं से कॉपी किए हैं। सो दोस्तों, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उन्हें इग्नू की वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। दोस्तों, डाउनलोड करने का पूरा तरीका मैंने आपको अलग से वीडियोस में बताया हुआ है। आप सिंपली इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स को क्लिक करना है। डाउनलोड्स को क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे असाइनमेंट्स दिया हुआ है, आप इसे असाइनमेंट्स को क्लिक करेंगे तो आपके सामने असाइनमेंट्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। इग्नू की तरफ से जितने भी कोर्सेज करवाए जाते हैं
उन सभी के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर इसी पेज में दिए हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की। आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और अपने असाइनमेंट्स भी खुद से लिखते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी उनके असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों वो स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट में रेड पेन का यूज कर लेते हैं। दोस्तों आपको अपने असाइनमेंट लिखने के लिए ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है। और दोस्तों पांचवी मिस्टेक, आप में से काफी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट जमा करवाने के वक्त दोस्तों प्लास्टिक फाइल का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स मैंने भी पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि आपको इस टाइप की फाइल में अपने असाइनमेंट्स जमा करवाने हैं, जबकि दोस्तों इग्नू की तरफ से अभी आपकी जो भी प्लास्टिक फाइल्स हैं उन्हें बैन कर दिया गया। आप चाहें तो पेपर की फाइल्स में अपने असाइनमेंट्स को रख के और जमा करवा सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी गलती ये कि अगर आपके लेटेस्ट वाले असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट पे अपडेट नहीं किए गए हैं तो आप उनके लिए वेट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके और अपने स्टडी सेंटर पे जमा करवाते हैं तो उस असाइनमेंट को वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों आपको अपने असाइनमेंट्स लिखने के बाद में आपकी जो आंसर शीट रहेगी उसके ऊपर में अपना क्वेश्चन पेपर लगाना होगा। क्वेश्चन पेपर के साथ में आपको एक फ्रंट पेज लगाना होगा जिसमें आपकी सभी डिटेल्स लिखी होंगी और साथ ही आपको एक सबमिशन स्लिप भी लगानी होगी। ये सभी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से भी डायरेक्टली उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप यहां पे ये असाइनमेंट का डेमो देख पा रहे हैं, आपको भी इसी तरीके से अपने असाइनमेंट्स लिखने हैं, क्योंकि दोस्तों आपके ये जो असाइनमेंट्स हैं आप इन्हें जितना अच्छा लिखेंगे आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपके असाइनमेंट के 100 में से मार्क्स दिए जाते हैं और आपको यहाँ पे 35 या फिर 40 नंबर लेके आने होंगे पास होने के लिए। उन 35 या 40 नंबर को आपके 30% में चेंज कर दिया जाता है और उन्हें फिर आपकी जो फाइनल मार्कशीट बनाई जाएगी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों आप अगर अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उनसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरी तरफ से ये कुछ पॉइंट्स थे आपके असाइनमेंट्स बनाने के लिए और असाइनमेंट्स में कौन कौन सी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनके लिए। दोस्तों इसके अलावा आपके कोई सजेशंस हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे इसके बारे में पता चल सके। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मेरी तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है।